हाँ जी, तो पॉलिनोमियल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4, दिस इज गिवन, -4 सॉरी, एक्स प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू -4, तो आपको फाइंड करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy +64, फाइंड वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक्स प्लस वाई आपको गिवन है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को, तो ये एक्स प्लस वाई का ये जो ये बन रहा है, ये होल क्यूब है। पीछे बैकग्राउंड में किसकी आवाज़ आ रही है, बंद करो। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4 है, हम क्या करते हैं, इससे ये निकालना है, इसी को लेके चलते हैं। तो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4 गिवन है, हम क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, वी डू क्यूबिंग बोथ साइड्स। चलिए क्यूबिंग करते हैं दोनों साइड्स का, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और वो बन जाएगा -4 का होल क्यूब, जो गिवन था उसका क्यूब कर दिया। नाउ अब एक आईडी लग रही है, ए प्लस बी का होल क्यूब, चलिए ये आईडी लगाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 × a × b, दैट इज 3 × xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -64, ठीक है। ये आईडी सबको क्लियर है, देखिए क्लियर है, यस। आप ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू फिर से हमें पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, -4, तो वो पुट कर देते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई की वैल्यू तो गिवन है, -4 इज इक्वल टू -64। नाउ एक स्टेप और करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको ओपन कीजिए, इट बिकम -12xy इज इक्वल टू -64, ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया था दिस, इतने वैल्यू नहीं, इसमें 64 और ऐड करना है हमसे, क्वेश्चन में दिस प्लस 64 पूछा गया था। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 64 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, जैसे 64 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो 64 बन जाएगा +64, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, जीरो, तो रिजल्ट क्या आ गया, जीरो, योर आंसर इज जीरो। देखिए क्लियर कि नहीं, क्लियर सबको, काशी कशी का क्लियर टू यू। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह का और करते हैं, सेम पैटर्न में करते हैं, अगेन आपको गिवन है कि इफ एक्स इज इक्वल टू 2y+6, एक्स इज इक्वल टू 2y+6, ये आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब -8y³ -36xy -216। सेम पता लग रहा है कि इसका क्यूब ये वाली टर्म है, फिर हम ये करते हैं, इसका क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। चलिए क्यूबिंग बोथ साइड कीजिए, क्या बन जाएगा, इधर तो हो जाएगा एक्स का क्यूब और इधर बनेगा 2y+6 होल क्यूब, क्यूबिंग मतलब होल क्यूब इधर होगा। यहाँ पर फिर एक आईडी लगा दीजिए, ये तो बना एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ लग गया ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब दैट इज 2y³ प्लस बी का क्यूब दैट इज 216, 6 का क्यूब होता है, प्लस 3 × a × b 2y × 6 और ब्रैकेट में 2y+6। देखिए
अब इंटरेस्टिंगली फिर देखिए 2y+6 की वैल्यू क्या है, x। तो इस 2y+6 को हटा दीजिए और इसकी जगह क्या लगा दीजिए, x लगा दीजिए। चलिए अब क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, 2y+6 क्या है, x के इक्वल है, हटा दिया तो क्या रिजल्ट आया, x³ = 8y³ + 216। ये कितना हो गया, 3 2 6 6 36, 3 2 6 6 36 y, और ब्रैकेट में साथ में क्या लगा दिया, x। अभी जरा क्वेश्चन को देखो, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। ये तब आएगा जब ये सब टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएंगी, और जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा, =0। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्या दोबारा बोलिए। ठीक है, वाई एक्स कैसे आया, इसको देखो जरा, ये वाले को देखो, 3 2 6 6 6 36 36 वाई, और ये पूरा हट के क्या बन गया, एक्स। तो 36 y x बन गया, यानी कि 36 x y बन गया। ओके, आईडी लगाओ, कुछ जान जाओ। चलो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ बोथ क्या क्या वैल्यूज हैं, x-2 एंड x-1/2, ये दो वैल्यूज हमें गिवन है, x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px² + 5x + r। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और वो दोनों उसके फैक्टर हैं। क्या शो करना है, क्वेश्चन नोट करते जाइए साथ साथ। देन शो दैट p = r। देन शो दैट p = r। क्वेश्चन नोट करा, नोट कीजिए फटाफट पास। इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 ये दोनों फैक्टर हैं इस गिवन पॉली के, तो आपको शो करना है क्या p = r है या नहीं। चलिए देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। जो पॉली आपको गिवन है वो क्या है, सबसे पहले हम पॉली लिखते हैं। पॉली जो आपको गिवन है वो पॉली है आपके पास px² + 5x + r, दिस इज द पॉली गिवन। ठीक है, सबसे पहले बोला गया है x-2 इसका फैक्टर है, मतलब x-2 को हम =0 रखेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। अच्छा, अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 डालने पर, इस पॉली में x की वैल्यू 2 डालने पर रिजल्ट 0 आना चाहिए क्योंकि फैक्टर है, डालते हैं। हाँ जी बोलिए। ग्रीन क्या हो गई है, फ्रीज हो गई है। बाकी बच्चों को दिख रहा है नया क्वेश्चन, अच्छा कशिक आपको दिख रहा है नया क्वेश्चन, तो सिमर आप चेक कीजिए आपके एंड पे प्रॉब्लम है कुछ, दोबारा से इसको स्क्रीन का आउट करके दोबारा से इन कीजिए। ठीक है, चलिए
तो क्योंकि ये एक फैक्टर है तो हम इस वैल्यू को डालते हैं और यहाँ रिजल्ट इक्वल टू 0 लिख देंगे बिकॉज एक्स माइनस टू इज द फैक्टर। चलिए सो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, इट विल बिकम 4p प्लस 10 प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, 4p प्लस 10 प्लस आर इज इक्वल टू 0। देखिए नोट कीजिए यहाँ तक, क्योंकि ये फैक्टर है तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब दूसरे पर आते हैं, ये इक्वेशन ध्यान रखना आप, इसको साइड, चलो ध्यान रखना आप लोग, नोट कर दो। अब आगे चलते हैं, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि दूसरा वाला भी फैक्टर है। नाउ एक्स माइनस 1/2 इज ऑल्सो अ फैक्टर, तो हम उसको भी क्या करते हैं, इक्वेट टू 0 करते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाती है 1/2, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है तो हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए पॉली में एक्स के प्लेस पर रखते हैं 1/2। नाउ तो पी इंटू एक्स के प्लेस पर 1/2 रखा तो 1/4 प्लस 5 एक्स के प्लेस पर 1/2 रखेंगे प्लस आर और इक्वल टू में 0। क्यों, अगेन कहा गया भी 0 है। सिमर अभी ठीक हुई स्क्रीन, चलिए एक बार फिर चेक करते हैं इसको आगे। तो इट विल बिकम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा p/4 प्लस 5/2 प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं इस साइड का, एलसीएम में आ गया आपका 4, ऊपर आ जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। देखो ठीक, इक्वल टू 0, देखो नोट करो यहाँ तक। ये 4 को इधर ले जाएंगे तो अब इक्वेशन फाइनली हमारे पास आई p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। देखिए डिवाइड वाला 4 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई कर, 0 हो गया, ठीक है। चलो अब आपके पास दो इक्वेशंस आई हुई हैं, पहली इक्वेशन थी 4p प्लस 10 प्लस आर इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन अभी आई आपके पास p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। यही दोनों इक्वेशन आई हैं। सिमर अब क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी, वही जो लास्ट क्वेश्चन चल रहा था, p इज इक्वल टू r वाला क्वेश्चन नोट नहीं किया था आपने वाला, इफ बोथ एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस 1/2 आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर देन शो दैट पी इज इक्वल टू आर वाला क्वेश्चन। नहीं नोट किया था? नोट किया था? नोट कीजिए, इफ बोथ एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस 1/2, इफ बोथ एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस 1/2 आर दी फैक्टर्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर देन शो दैट पी इज इक्वल टू आर। पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर देन शो दैट पी इज इक्वल टू आर।
ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, सॉल्व हमने वैल्यू पुट करी, दो इक्वेशन मिल गई। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, दो इक्वेशंस मिल जाएंगी और दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल मतलब पी की वैल्यू भी नहीं पता, आर की भी नहीं पता, यहाँ भी पी की भी नहीं पता, आर की पता, दो वैल्यू नहीं पता, तो इनको सॉल्व करने के अलग तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका है एलिमिनेशन। वो मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पी या आर को बराबर कर दो। ध्यान से देखो, यहाँ पर पी के साथ में 4 है इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पी के साथ नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि एक चीज़ इक्वल हो जाए। तो अब देखो, ये इक्वेशन तो अपनी जगह पर ठीक है, 4p+10+r, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई होने पर रिजल्ट आ गया 4p+40+16r इक्वल टू इधर भी 0 और इधर भी 0। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ रहे जो मैंने स्टेप किया है, या चलो एक काम और आसान करते हैं इसमें, और एक आसान कर सकते हैं तो हमारे लिए और भी आसान रहेगा, एक स्टेप और आसान करते हैं क्या। ध्यान से देखो, ये पूरा रिजल्ट 0 के इक्वल है, ये पूरा रिजल्ट भी 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब आपस में दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ज़्यादा आसान रहेगा। ऐसा कर दो, 4p+10+r शुड बी इक्वल टू p+10+4r। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी फैक्टर था, इससे भी 0 आ था, ये भी 0 था। अब क्या करते हैं, लेट अस सी, ये 10 से तो 10 कैंसिल, इस p को इधर शिफ्ट करते हैं 3p, उस r को इधर शिफ्ट करते हैं 3r, 3 से 3 कैंसिल, क्या फाइनल रिजल्ट आया, p इज इक्वल टू r, यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव। पूछिए कोई डाउट है तो। हाँ जी, कोई डाउट है?